हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओशियस किचन। आज मैं आप लोग के लिए वेज सैंडविच लेके आई हूँ और ये बहुत ही हेल्दी है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। तो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैबेज लिया है, पत्ता गोभी और एक कैरेट लिया है, गाजर, एक मैंने शिमला मिर्च लिया है और एक बड़ा सा टमाटर लिया है और एक प्याज लिया है और इन सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। कैबेज को तो मैंने घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है और ये कैरेट है, गाजर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है और जो शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर है उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो आप भी इस तरह से कर लें। और ये मैंने मेयोनीज लिया है और ये मैंने दो यहाँ पे ब्रेड लिया है और ये जो ब्रेड का ब्राउन ब्राउन पार्ट्स है इसको मैंने काटा नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दिया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो टमाटर है और प्याज है इसको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब इस शिमला मिर्च को भी निकाल लेते हैं। आप चाहें तो जो गाजर है और शिमला मिर्च है आप उसको थोड़ा सा स्टीम भी कर सकते हैं या एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें अगर आपको सॉफ्ट सैंडविच चाहिए तो, और अगर आपको ये चीज़ें क्रंची चाहिए तो आप इसे एज इट इज इसी तरह से कच्चा ही रहने दें। अब इसमें ये मेयोनीज मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो मेयोनीज है वो मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। पहले आप थोड़ा सा मेयोनीज डाल के इसको मिक्स कर लें और फिर सारा मेयोनीज इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करना है इसको। आप इसमें स्प्राउट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको और हेल्दी बनाना है तो, और इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्रीन चिली अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें, इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो आप भी इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल दें। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा क्रीमी स्मूथ सा बन जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो ब्रेड है, अब आप ब्रेड में, इसमें मैंने यहाँ पे बटर लगाया हुआ है। अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये जो मिक्सचर बनाया है हमने इसको आप ब्रेड पे इस तरह से अच्छे से फैला लें चारों तरफ। और इसके ऊपर एक चीज स्लाइसेस डाल देते हैं। अगर दो चीज स्लाइसेस आप डालना चाहें तो दो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही चीज़ स्लाइस ऐड कर रही हूँ और उसके ऊपर आप एक और ब्रेड रख दें और इसको अच्छे से आप हाथ से प्रेस कर लें और फिर आप एक नाइफ से इसको इस तरह से कट कर लें। और ये देखिए, बस ये बन के तैयार है वेज क्रीमी सैंडविच, जो कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है और ये झटपट से हो जाता है, हार्डली इसमें 5 मिनट्स लगता है। और आप इसको सॉस के साथ बच्चों को या फिर कोई ग्रीन चटनी है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो, अगर आप कच्चा नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको तवे पे भी सेक सकते हैं।
तो ये देखिए ये कितना झटपट से हेल्दी सा बन गया। तो आप भी इस तरह से बनाएं वेज सैंडविच। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।